आनंदपूर्ण, अद्भुत, सौभाग्यपूर्ण, मेरे तीनों आराध्य महादेवता और महादेवियां एक साथ गमन कर रहे हैं, फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? ऐसा सौभाग्यपूर्ण सुअवसर मुझे कब मिलेगा? कृपा निधान, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे। नारद, तुम तीनों लोक में कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्यों? पुत्र अथवा भक्त से उसके पिता अथवा आराध्य का कभी पीछा छूटा है? यदि छूट जाए तो पुत्र और भक्त की क्या दुर्दशा होती है, ये आप भली भांति जानते हैं परमपिता। नारद, ब्रह्मदेव के प्रश्न का उत्तर तो तुमने दे दिया, अब हमारे प्रश्न का भी उत्तर दो। भोलेनाथ, आपका क्या प्रश्न है? क्या तुमने अत्रि आश्रम आकर हमारे बाल रूप के दर्शन नहीं किए? और क्या अनुसुईया के पुत्रों के दर्शन करना आपका उद्देश्य नहीं था नारद? नारायण नारायण, मैं तो युग युगों से तीनों लोक में तीनों महादेवताओं के दर्शन भांति भांति प्रकार से करता आ रहा हूँ, और फिर दर्शन के विषय में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली प्राणी इस जगत में कौन है? ये हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं है नारद। नारायण नारायण, देवेश्वर, ये आपके प्रश्न का 3/4 उत्तर है, और 1/4 शेष उत्तर ये है कि जब मैंने आप तीनों के दर्शन करने का कीर्तिमान स्थापित किया है, तो फिर आपके शिशु रूप के दर्शन करने का अवसर मैं भला अपने हाथों से कैसे जाने देता? तो क्या तुमने तीनों देवियों को हमारे शिशु रूप के विषय में सूचित किया है? कैसे करता परमपिता? देवी अनसुया और आपके क्रियाकलाप और आपकी मांग के बीच यदि मैं आता तो मेरी क्या गति होती? तीनों माताएं तो यही समझती कि आप तीनों के बालक बन जाने में मेरा ही सहयोग था। नारद, अब अधिक बातें न बनाओ, सत्य तो यही है, इन घटनाओं के पीछे अदृश्य रूप से तुम ही थे। हाँ, ना, 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 ना। और इसमें आपको ये संदेह नहीं रहा कि तुम हम सभी के साथ नारद लीला करने से चूके नहीं? हम पर अपनी लीला का प्रयोग करते हुए तुम्हें तनिक भी विचार नहीं आता? नारायण नारायण, मेरी लीला त्रिदेव के सम्मुख मैं क्या और मेरी लीला क्या? सत्य तो ये है कि आप तीनों देवियों को ये सत्य मान्य ही नहीं था कि सती अनुसुया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। यही सत्य आप तीनों को मनवाने के लिए परीक्षा के बहाने त्रिदेव ने अपनी लीला का प्रसार किया, और दोष व्यर्थ ही में मेरे सिर पर बढ़ा जा रहा है। माताओं, इस सत्य को आप सदा के लिए समझकर रखें कि मेरा हर कार्य त्रिदेव के संकेत पर ही होता है, स्वेच्छा से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। श्री हरि विष्णु, अब आप हमें ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ ने सती अनसुया को वरदान में पुत्र रूप में शिवांशी रुद्रावतार को जो प्रदान किया था वो है कौन? सावधान नारद, उस रौद्र रूपधारी दुर्वासा से सावधान रहना, यदि उसका क्रोध जाग गया तो तुम्हारी कुशल नहीं है। नारायण नारायण, रुद्रावतार दुर्वासा? धीरे धीरे खाओ पुत्र, ऐसी शीघ्रता से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। माता, भूख की अग्नि को शीघ्र शांत कर देना चाहिए, अन्यथा वो फैल जाती है। माता, ये तो मुझे ज्ञात है कि आपने मुझे
भगवान शिव की आराधना तथा तपस्या से प्राप्त किया है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको तपस्या में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या की थी पुत्र, इसलिए कष्ट का तो प्रश्न ही नहीं था। हाँ, उस समय एक बाधा अवश्य आई थी। बाधा? कैसी बाधा माता? स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र ने मेरी तपस्या में बाधा पहुंचाने की चेष्टा की थी। उसने मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न किया था। आपकी इस तपस्या में बाधा पहुंचाने वाले इंद्र को अपने इस दुष्कर्म का परिणाम भोगना होगा माता, अवश्य भोगना होगा। तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो पुत्र, क्या कारण है? माता, इस आश्रम की सीमाओं ने मुझे बांध दिया है। लगता है कि बंधन मेरे स्वभाव को स्वीकार नहीं है माता, यही कारण है कि मैं इतना व्यग्र और व्याकुल हो रहा हूँ। माता, कृपा करके मुझे इस आश्रम से बाहर भ्रमण करने की आज्ञा और सुविधा प्रदान करें। व्यग्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है पुत्र, तुम इस व्यग्रता के घेरे से बाहर आओ तथा तनिक वन प्रदेश में घूमाओ, किंतु शीघ्र ही लौट आना। मुझे तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारी चिंता लगी रहती है। आप तनिक भी चिंता न करें माता, मुझ पर भगवान शिव की सदैव कृपा रहती है। व्यग्रता शांत होते ही मैं शीघ्र लौट आऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव के लिए फूल ले जा रही है। तो तुझे क्या लगता है ये फूल तेरे लिए चुन रहे हैं? संभवतः इसी के लिए चुन रहे होंगे। चल के पूछ लेने में आपत्ति क्या है? पाए लागे महाराज, क्या ये फूल आप भगवान के लिए चुन रहे हैं? तो फूल क्या भक्तों के लिए चुने जाते हैं? फूल तो भगवान के लिए ही चुने जाते हैं ना। क्या भगवान फूलों से प्रसन्न होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं प्रसन्न। जिन फूलों से भगवान प्रसन्न होते हैं, उन फूलों को चुनते हुए आप क्रोध में आए हैं, तो क्या आप भी भगवान प्रसन्न होंगे? वो भी आपकी भांति आप पर क्रोधित नहीं होंगे इन फूलों को देखकर? नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। तो कोई ऋषि, परंतु ये नए ऋषि है कौन? इससे पहले तो मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। नारायण नारायण, कहीं यही तो रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा नहीं? माता पार्वती ने मुझसे कहा था कि ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं, इनसे सावधान रहना नारद। नारायण 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 नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। प्रणाम। नारद का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर और अपना समुचित परिचय भी दें। मेरी माता का नाम सती अनसुईया है और पिता का नाम? आपके पिताश्री का नाम अत्रि ऋषि है, और यदि मेरा अनुमान सही है तो आप ही रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा है। यदि जानते हो तो फिर पूछते क्यों हो? क्यों बार बार मेरा मार्ग अवरुद्ध करते हो? और यदि पूछते ही हो तो संपूर्ण बात सुने बिना बीच में क्यों बोलते हो? ऐसे व्यवहार के पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन है आपके स्वभाव की उग्रता को विनम्रता में बदलने का। किसने कहा कि मेरा स्वभाव उग्र है? माता पार्वती ने, इसीलिए तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या आप माता पार्वती का कोई संदेश लेकर आए हैं? आपके क्रोधी स्वभाव की सूचना माता पार्वती से प्राप्त होने पर आपके लिए संदेश तो बन ही जाता है ना ऋषिवर। क्या है वो संदेश? आपके हित में है।
आपके क्रोधी स्वभाव को शांत करने का। परंतु वो संदेश है क्या? सत्य से पूर्ण वो संदेश यही है कि आप काशी तीर्थ जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना से मेरा क्रोध शांत कैसे होगा? वो तो स्वयं रुद्र है, संहारक देवता है। क्रोध के आवेश में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या तुम ये सब नहीं जानते? जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, किंतु संभवतः आप इस सत्य को नहीं जानते कि काशी का दूसरा नाम आनंद कानन है। काशी है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय क्षेत्र। भगवान भोलेनाथ काशी में सदा आनंद स्वरूप में रहते हैं तथा अपने भक्त जन को शांत करके आनंदित करते हैं। आप स्वयं वहां जाकर इस सत्य का अनुभव करें। किंतु गंगा तट पर बसी काशी तो अत्यंत विस्तार में है। मुझे ऐसा एकांत स्थान बताओ जहां मैं बिना किसी बाधा के शिव का ध्यान करते हुए तपस्या कर सकूं। गंगा नदी के पूर्व दिशा प्रवाह के उत्तर की ओर एक एकांत सरोवर है जिसका नाम कामकुंड है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने यह कहा है कि कामकुंड के समीप शिवलिंग की स्थापना कर उसकी अखंड आराधना करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। आप कामकुंड के समीप दुर्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर उसके सम्मुख बैठकर भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न हो जाएं। फिर आप देखें कि भगवान भोलेनाथ क्या चमत्कार दिखाते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आनंद कानन, काशी नगरी। यही है काशी नगरी। अवतार दुर्वासा के जब के प्रभाव से ऐसा हुआ है देवी। नारद ने दुर्वासा का क्रोध शांत करने के लिए
उन्हें हमारे आराधना का परामर्श दिया था। क्या आपकी आराधना करने से उनका क्रोध शांत हो जाएगा? आप मुस्कुराकर मौन क्यों हो गए स्वामी? हमें तुम्हारे भोलेपन पर विचार आ गया। इतना ज्ञान तो तुम्हें भी है कि क्रोध और आराधना दोनों कभी एक स्थान पर आमने सामने नहीं होते। दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए आराधना कर रहे हैं, परंतु उनका क्रोधी स्वभाव आराधना से शांत होता है अथवा नहीं, ये जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही हमें उनके धैर्य की परीक्षा भी लेनी होगी। ऋषि ये कठोर तपस्या कहीं स्वर्ग प्राप्ति के प्रयत्न में तो नहीं कर रहे हैं? देवराज, ज्ञात हुआ है कि ये ऋषि अत्रि और सती अनसुईया के पुत्र हैं, और ये भी सुना गया है कि इनका स्वभाव अति उग्र है। नारायण नारायण। देवराज, ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे हैं अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए, ना कि आपके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। और आप उन्हें छेड़ने का प्रयत्न कदापि ना करें, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। नारायण नारायण। कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ भी नहीं। मेरी समस्त तपस्या एवं आराधना व्यर्थ सिद्ध हुई, व्यर्थ। मैं व्यर्थ ही नारद के बहकावे में आ गया। उसने मुझे मूर्ख बनाया है। यहां न तो आनंद है न शांति है। ये काशी मात्र निराशा की भूमि है, निराशा। मैं इसी क्षण इसे श्राप देकर इसकी महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सिद्धेश्वर शिवलिंग, रुद्रावतार दुर्वासा, काशी को शापित करने की शक्ति किसी में नहीं है। आनंद नगरी काशी को कोई भी शाप छू नहीं सकता, प्रलय भी इसे डुबो नहीं सकता। अतः तुम अपने क्रोध को शांत कर हमारे साथ काशी में रहने का आनंद बना। मुझे क्षमा कर शिव शंकर, आप ही के रुद्र अंश से उत्पन्न मैं अपने क्रोध को वश में नहीं रख सकता और सदा श्राप देने के लिए उद्यत हो जाता हूं। भगवान दुर्वासा, तुम्हारा नाम शाप से ही सुशोभित होता है, परंतु शाप तभी दो जब कोई प्राणी विपरीत आचरण करे अथवा सत्य असत्य के विवेक को भूल जाए। तो अब मेरी तपस्या सफल हुई ना भगवान? हमारे प्रकट होने का यही अर्थ है। तुम्हारे द्वारा स्थापित दुर्वासेश्वर शिवलिंग अब कामेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो व्यक्ति कामकुंड में स्नान कर कामेश्वर की आराधना करेगा, उसकी सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आपने मेरी तपस्या का प्रतिदान देकर मुझे उपकृत किया है भगवान, मैं धन्य हुआ। क्या बात है देवी, तुम उदास क्यों हो? इसका भी कारण है स्वामी। दुर्वासा अपनी व्यग्रता को शांत करने के लिए भ्रमण करने गया था। वर्षों बीत गए किंतु वो लौट कर नहीं आया। मुझे तो चिंता हो रही है, न जाने वो कहां होगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता को चिंता करने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम दुर्वासा को बुलाने की इच्छा मात्र करोगी तो वो तुरंत दौड़ा चला आएगा। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा कि इस समय वो कहां होगा?
क्यों भूल जाती हो देवी? तुम्हें शिवलिंग में तीनों लोक देखने की सिद्धि प्राप्त है। तुम शिवलिंग में देखकर दुर्वासा को पुकारो, वो तुम्हें तुरंत दिखाई देगा। दुर्वासा, पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? ओम नमो भगवते रुद्राय। पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? माता, तुम शीघ्र आश्रम लौटाओ पुत्र, मैं तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हूँ। माता की आज्ञा शिरोधार्य, मैं स्वयं आप लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। माता, विश्वामित्र ये कठोर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं मेनका। यदि इनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम मेरा अभिप्राय समझ रही हो ना मेनका? मुझे क्या करना होगा देवराज? मेनका, विश्वामित्र को अपने रूप लावण्य के माया जाल में फंसाना होगा। अपने सुंदर हाव भाव से नृत्य दिखाकर उसे मुग्ध एवं मोहित करना होगा। इस प्रकार विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। आप निश्चिंत रहे देवराज, मुझे अपने सन्मुख और समीप पाकर विश्वामित्र अधिक समय तक तपस्या नहीं कर पाएंगे। नारायण नारायण। महर्षि दुर्वासा प्रणाम। आपकी कठोर तपस्या को कोटि कोटि प्रणाम और आपकी भक्ति और निष्ठा को अनेक अनेक प्रणाम। मैंने आपका प्रणाम स्वीकार किया, अब मुझे जाने दे, मुझे माता ने पुकारा है। अवश्य अवश्य, माता की पुकार सुनने पर जगत के सभी कार्य त्याग कर पुत्र को जाना ही चाहिए। किंतु महर्षि, मैं आपके और आपकी माता के मध्य बाधा नहीं बनना चाहता। महर्षि, आप मेरी बात सुने। महर्षि, तो अब आपका अभिप्राय क्या है? मात्र देवराज इंद्र के षड्यंत्र की सूचना देना, इसी अभिप्राय से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? जिस इंद्र ने आपकी माता और आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उसी इंद्र के विषय में और उसके षड्यंत्र के विषय में आपको सूचित करना, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। किंतु इंद्र ने किसके साथ षड्यंत्र किया है? राजश्री, विश्वामित्र के साथ, जो ब्रह्मर्षि बनने के लिए आप ही के समान कठोर तपस्या कर रहे हैं। किंतु देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या खंडित करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को वहां भेजा है। एक तपस्वी को दुष्ट इंद्र के षड्यंत्र से सावधान करना हमारा कर्तव्य है। हम इसी क्षण वहां जाएंगे। नारायण नारायण। सुंदरी ठहर जा, षड्यंत्रकारी इंद्र का षड्यंत्र हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। अप्सरा मेनका, एक तपस्वी की तपस्या खंडित करना महापाप है। ऋषिवर, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, तत्पश्चात मैं आपसे विनती करूंगी कि आप क्रोध ना करें। क्रोध न करूं? क्यों ना करूं क्रोध? तुम अकारण महापाप करो और मैं कारण होने पर क्रोध भी न करूं, क्यों न करूं क्रोध? ऋषिवर, शांत हो जाइए। मेनका, इस दिव्य और शांत वातावरण को अशांत करने तुम आई हो और मुझे शांत रखना चाहती हो। ऋषिवर, मैं स्वेच्छा से नहीं आई हूँ, भेजी गई। मैं तो अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर रही हूँ। अनर्थकारी है उसका आदेश और विनाशकारी है तुम्हारा उसे पालन करना। मेनका, अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इसी क्षण स्वर्ग लौट जाओ, अन्यथा हमारे क्रोध से उत्पन्न श्राप और श्राप से उत्पन्न कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऋषिवर, आपके शाप से भयभीत होकर मैं अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेनका, तुम्हें अपनी दुर्दशा की चिंता नहीं,
इंद्र के आदेश की चिंता अधिक है। स्वाभाविक है ऋषिवर, वे हमारे स्वामी जो है। तो क्या स्वामी का आदेश मानकर तू तपस्वियों की तपस्या को भंग करेगी? किसका क्या रंग होता है, क्या भंग होता है, ये सोचना मेरा कार्य नहीं है ऋषिवर। मुझे केवल अपने स्वामी देवराज की इच्छा पूर्ण करनी है। मेनका! अपने स्वामी इंद्र की ही भांति तू भी बाहर से नख से लेकर शिख तक सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु भीतर से तुम दोनों ही पाप के भंडार हो। तू एक स्त्री है मेनका, इसलिए हम तुझे भस्म तो नहीं करेंगे, किंतु हम तुझे शाप देते हैं कि जिस विश्वामित्र को तू भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, उसी के कारण तू स्वर्ग से भ्रष्ट होकर एक मानवी का जीवन व्यतीत करेगी। तू तो तू, तेरी संतान भी हमारे श्राप की छाया से मुक्त नहीं हो पाएगी मेनका। इंद्र के षड्यंत्र में सम्मिलित होने का परिणाम तुझे बार बार भुगतना पड़ेगा, बार बार भुगतना पड़ेगा। सुख का त्याग किया है, वही परम सुख
मनमोहक मेनका, अब तुम्हें मेरी जीवन संगनी बनकर रहना होगा। अब मैं तुम्हें लौटकर स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। Na 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 na